हे गाइस, हाय, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का मौसम बहुत ठंडा हो रखा है, इस वक्त बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी है। टेम्परेचर जो है वो मेरे ख्याल से इस बार है, लेट मी जस्ट चेक टेम्परेचर जो इस वक्त है। ओ हो, कितना है यार, एक सेकेंड। टेम्परेचर इस वक्त हो रखा है 12 डिग्री टेम्परेचर हो रखा है, 12 डिग्री सेल्सियस, और ठंड बहुत हो रखी है। एनीवेज, सबसे पहले तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझसे पूछा था कि मैंने कूली नंबर वन मूवी का रिव्यू क्यों नहीं किया। कूली नंबर वन मूवी रिव्यू करने लायक थी, पहले तो आप मुझे ये बताओ, थी वो रिव्यू करने लायक? जितने भी मीम्स आए थे, जितने भी लोगों ने मतलब कूली नंबर वन के बारे में अपनी विचार सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे डाले थे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, उनको देखने के बाद तो मतलब आपको खुद ही पता चल जाना चाहिए कि क्या कूली नंबर वन रिव्यू करने लायक थी। ऑफ कोर्स नहीं थी। मतलब एक अच्छी खासी मूवी का खुद ही रीमेक बना डाला डेविड धवन ने, क्या सोच के बनाया, और वो भी विदाउट एनी फनी जोक्स, मतलब वही घिसे पिटे डायलॉग्स। आई डिन लाइक इट। कूल नंबर वन के बारे में हम बात ज़्यादा नहीं करते, मैं तो उसे रिव्यू भी नहीं कर, इसलिए मैंने रिव्यू नहीं किया था क्योंकि मैं क्या बोलता मूवी के बारे में, है ही वेस्ट वो मूवी। एनीवेज, आज की वीडियो जो है वो भाभी जी घर पर है जो शो आता है, जो नंबर वन टेलीविजन शो है, उसके एक बहुत ही बड़े अपडेट के बारे में। तो आज की इस वीडियो को एंड तक देखना दोस्तों, और लाइक ज़रूर कर देना। पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट करके मुझे बताना कि ये जो मैंने अपडेट दिया है इसके बारे में क्या आपको पता था, अगर नहीं पता था तो आपको ये जो अपडेट मैंने दिया है ये जानने के बाद कैसा लगा। सो गाइज, मैंने अपनी पिछली वीडियो में जो भाभी जी घर पर है शो के बारे में बनाई थी, उसमें यह बताया था आप लोगों को कि सौम्या टंडन जो अनिता भावे का किरदार निभाती हैं उस शो में, वो शो को छोड़ चुकी हैं और उनकी जगह पे शेफाली जरीवाला विल बी द न्यू भाभी जी। ऐसे अटकलें लगाई जा रही थी, ऐसे अनुमान लगाए जा रहे थे कि शेफाली जरीवाला प्ले करेंगी अनिता भावे का किरदार, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जितने भी एपिसोड्स अभी रिसेंटली के भी हम देख रहे हैं भाभी जी घर पर है हमें, उसमें अनिता भावे का किरदार सौम्या टंडन ही निभाती हुई दिखाई दे रही हैं। बट अब ऐसा नहीं है। अभी की लेटेस्ट अपडेट के अकॉर्डिंग सौम्या टंडन अब नहीं दिखाई देंगी आपको अनिता भाभी के किरदार में। उनकी जगह पे जो अनिता भाभी का किरदार निभा रही हैं वो है नेहा पेंडसे। अब नेहा पेंडसे एक बहुत ही अच्छी कैलिबर की एक्ट्रेस हैं। उनकी एक्टिंग हम लोगों ने मे आई कम इन मैडम में देखी हुई है, जो कि लाइफ ओके पे एक बहुत ही कमाल का कॉमेडी सीरियल आता था, जो कि चैनल बंद होने की वजह से बंद हो गया। बहुत अच्छा सीरियल था वो, बहुत कॉमेडी था, बहुत हंसी आती थी उसके जो वन लाइनर्स होते थे उस शो में। जो एक्टर था मेन लीड एक्टर, उसके जो वन लाइनर्स होते थे वो बहुत ही हंसाने वाले होते थे, और नेहा पेंडसे का भी काम उस सीरियल में बहुत अच्छा था। नेहा पेंडसे उसमें एक बॉस के किरदार में थी, जो कि एक हॉट बॉस होती है जिसपे उनका एक एम्प्लॉय लाइन मारता रहता है, जो कि मैरिड है। अब कॉमेडी था वो भी, और नेहा पेंडसे की एक्टिंग उसमें लाजवाब थी। भाभी जी घर पर है में वो अनिता भाभी के किरदार में अब देखने को मिलेंगे नेहा पेंडसे, और इसमें भी मैं आशा करता हूँ कि उनकी एक्टिंग बहुत ही अच्छी देखने को हमें मिले, क्योंकि एक जमा जमाया शो है। लेकिन क्योंकि जमा जमाया शो है, इसका मतलब ये नहीं कि उनको एक बहुत ही आसान मौका मिल गया है, नहीं। क्योंकि अनिता भाभी के किरदार में सौम्या टंडन ने जान डाल दी थी, नेहा पेंडसे पे उतना ही भार होगा, उतनी ही एक्सपेक्टेशंस उनसे लगाई जाएंगी कि वो सौम्या टंडन की से बहुत अच्छी एक्टिंग करें, या तो सौम्या टंडन के बराबर की करें या उससे बहुत ही अच्छी कर दें। ऐसा ना हो कि सौम्या टंडन तो इतनी अच्छी लगती थी और नेहा पेंडसे उतनी ही नहीं कर पा रही रोल, उतनी ही बेकार लगे, ऐसा ना हो। बाकी नेहा पेंडसे को हमने बिग बॉस सीजन 12 में भी देखा हुआ है, जिसमें वो सबसे पहले निकलने वाली कंटेस्टेंट थी, और निकलने के बाद उसने कहा था कि वो ज़्यादा लड़ाई झगड़ों में नहीं रहती है, इसलिए वो शो को ज़्यादा समझ नहीं पाई। बट एनीवेज, अब देखना ये होगा कि कब से हमें नेहा पेंडसे शो में देखने को मिलेंगी, क्योंकि शूटिंग तो स्टार्ट कर दी है उन्होंने। शी इज़ अबाउट टू स्टार्ट द शूट ऑफ द शो नेहा पेंडसे, और बहुत दिलचस्प होगा ये देखना कि सौम्या टंडन की जगह नेहा पेंडसे कैसा करेगी अनिता भावे का किरदार। ये पहली बार नहीं है जब कोई एक्टर रिप्लेस हुआ है। इससे पहले भी जो दूसरी भाभी जी हैं, अंगूरी भाभी, शिल्पा शिंदे उनका किरदार निभाती थी, और उसके बाद उन्होंने उस किरदार को छोड़कर खुद ही वो शो क्विट कर दिया था, और उसकी जगह पर फिर ये लोग शुभांगी आत्रे को लेकर आए, जो कि बहुत कमाल का अंगूरी भाभी का किरदार निभा रही हैं और लोग बहुत पसंद भी कर रहे हैं। क्या पता नेहा पेंडसे भी इतना ही पसंद आ जाए लोगों को, देखना बहुत दिलचस्प होगा। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या आप नेहा पेंडसे को अनिता भाभी के किरदार में देखने के लिए उत्सुक हैं। आर यू एक्साइटेड? अगर हाँ तो बताइए, अगर ना तो भी बताइए। बाकी प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब कर दो यार, जस्ट एक सब्सक्राइब बटन दबाना है आपको नीचे, उसको दबा दो, बेल आइकन दबा दो, थोड़े सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे तुम्हारे भाई के, कुछ बिगड़ेगा तुम्हारा? बताओ, थोड़ा सा एहसान कर दो, प्लीज़ कर दो, सब्सक्राइब बटन दबा दो एंड कमेंट ज़रूर करना, लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।